व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीम में आप सबका खैर मकदम है। पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा, लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। डोडा और भद्रवा कस्बों में तीसरे रोज भी बंदिशें जारी, कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखकर लगाई गई बंदिशें। वादी चुनाव में कोरोना इन्फेक्शन के 168 नए मामले रिकॉर्ड, गुज़श्ता चार रोज में 861 मामले आए सामने। डोडा में सबसे ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन 521 मामले हुए रिकॉर्ड। डोडा में उसातिजा को बनाया गया ऑक्सीजन मैसेंजर, घर घर जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल देखेंगे ये मैसेंजर। खांसी जुकाम के इलाज के लिए अस्पताल जाने वाले सभी अपराध का टेस्ट लाजमी, आवाम से अपील की खुद आए सामने। कोरोना के खिलाफ कार्रवाई पर मामूर नोडल ऑफिसरान की मीटिंग, कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग तेज करने की हिदायत जारी। राजगढ़ में पुल की तामीर की मांग, लोग पुल न होने की वजह से परेशान। और डीडीसी डोडा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तो नाज़रीन पेश हैं खबरें तफसील से। जिला डोडा में आज तीसरे रोज भी डोडा और भद्रवा कस्बों में बंदिशें नाफिज रहीं। दोनों कस्बों में अक्सर दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियों और लोगों की आमदरफत ना के बराबर रही। बंदिशों के दौरान इंतजामिया की तरफ से खुसूसी कैंप लगाए गए, जिनमें कंटेनमेंट जोन्स के अंदर रहने वाले लोगों के टेस्ट किए गए। आज जिला इंतजामिया की तरफ से बनाई गई टीमों ने घर घर जाकर लोगों को टेस्ट करवाने के लिए निकलने की अपीलें की। इन खुसूसी कैंपों में डॉक्टरों की टीमें मौजूद रहीं, जिन्होंने लोगों के टेस्ट करने के साथ साथ उनका बुखार और ऑक्सीजन लेवल चेक किया। इन खुसूसी कैंपों में कोविड के पॉजिटिव आने वाले अपराध को खुसूसी हिदायत के साथ या तो घरों को रवाना किया गया या फिर सरकारी कोविड केयर मराकज में दाखिल किया गया। आज वादी चिनाब के तीन अजला यानी रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में कोरोना इंफेक्शन के कुल 168 मामले सामने आए हैं। कुल तादाद में से रामबन में 47, किश्तवाड़ में 35 और डोडा में सबसे ज्यादा 86 अफराद कोरोना इंफेक्शन से मुतासिर पाए गए। इस तरह से तीनों अजला में गुज़श्ता चार रोज के दौरान कुल 861 मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता चार रोज के दौरान रामबन में 157, किश्तवाड़ में 183 और डोडा में सबसे ज्यादा 521 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। आज कस्बा डोडा में दो कैंप लगाए गए थे, जहां 218 टेस्ट किए गए और 61 अपराध कोरोना इंफेक्शन से मुतासिर पाए गए। कोरोना वायरस के खिलाफ इंतजामिया की तरफ से किए गए इकदाम में एक और कदम उठाते हुए जिला डोडा में उसातिजा को ऑक्सीजन मैसेंजर के तौर तैनात किया गया है। इन ऑक्सीजन मैसेंजर्स का काम कंटेनमेंट जोन्स के अंदर आने वाले हर घर में जाकर घर के सभी अफराद का ऑक्सीजन की मिकदार को मापना होगा। इन ऑक्सीजन मैसेंजर्स को एक इलेक्ट्रॉनिक आला फराहम किया गया है, जिससे ये ऑक्सीजन मैसेंजर्स कंटेनमेंट जोन्स के हदूद के अंदर आने वाली पूरी आबादी की ऑक्सीजन लेवल को चेक करेंगे। ऑक्सीजन लेवल चेक करने पर मामूर अफराद को ट्रेनिंग दी गई है कि वो हर उस शख्स को फौरन अस्पताल मुंतकिल करें जिसके जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार 90 से कम होगी। वादा रहे कि एक तंदुरुस्त शख्स का ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर होता है और जिस शख्स का लेवल 90 से गिर गया उसे मस्नूई तरीके से ऑक्सीजन देने की फौरी जरूरत पड़ सकती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे ने महकमा सेहत और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई पर मामूर दूसरे मुलाजमीन को हिदायत दी है कि वो उन सभी अफराद के कोरोना टेस्ट को यकीनी बनाएं जो बुखार, जुकाम और ऐसी दूसरी बीमारियों के इलाज की गरज से अस्पतालों या क्लिनिक्स में आते हैं। डीडीसी डोडा ने अहकाम जारी करते हुए कहा है कि खांसी, जुकाम या बुखार कोरोना की निशानी हो सकती है, इसलिए इसे अफराद को दूसरी बीमारियों के इलाज के साथ साथ कोरोना टेस्ट करना जरूरी है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि खांसी, जुकाम और बुखार में मुब्तला अफराद को चाहिए कि वो खुद आगे आकर टेस्टिंग को यकीनी बनाएं।
जिला डोडा में कोरोना के खिलाफ किए जाने वाली कार्रवाई पर मामूर सभी नोडल अफिसरान की गुज़श्ता रोज डोडा में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे कर रहे थे। मीटिंग में कोरोना के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान नोडल अफिसरान ने हालिया दिनों बनाए गए कंटेनमेंट जोन के अंदर टेस्टिंग और इस बीमारी के खिलाफ तेज की गई कार्रवाई के बारे में डीडीसी को किया। डीडीसी ने नोडल ऑफिसरान को हिदायत दी कि वो कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी आबादी के टेस्ट को यकीनी बनाएं ताकि इस बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। जिला रामबन की तहसील राजगढ़ की पंचायत कमेट के गाड़ी ग्राट इलाके में पुल की अदम मौजूदगी पर एक बार फिर वहां के लोगों ने जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि ग्राट नाले से एक अहम रास्ता गुजरता है और इस रास्ते पर पुल न होने की वजह से आवाम तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। मुकामी लोगों ने बताया है कि ये वो रास्ता है जहां से लोग तहसील हेडक्वार्टर राजगढ़ के लिए आते जाते हैं और पुल न होने की वजह से बारिशों और बर्फबारी में यह पूरा इलाका तहसील हेडक्वार्टर से कट जाता है। इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों का कहना है कि नाले पर पुल न होने की वजह से यहां कई हादसे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो अरसा दराज से इस पुल की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि कुछ बरस पहले किसी महकमे ने दो पिलर तामीर किए थे लेकिन किसी नामालूम वजह से काम को अधूरा छोड़ दिया गया था जो आज तक दोबारा शुरू नहीं हुआ। पीछे पीछे देखिए, ये हमारा दानला ग्राट खमेत पंचायत जिला रामबन तहसील राजगढ़ से हम बिलोंग करते हैं। ये दानला ग्राट में हमें बड़ी काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। बहुत भारी नाला आता है जिसमें पहले भी दो कैजुअल्टियाँ हो चुकी हैं, तो हमारी गुजारिश है डिपार्टमेंट से, ब्लॉक वालों से, कि इसका जल्द से जल्द काम शुरू हो। जो कि 2016 में इसका काम किया, एक बिल बना के दूसरी वहीं पर ठप कर दिया, इसकी जल्दी से जल्द तामीर की जाए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। नहीं तो हमारे कोई भी अगर माल जान का नुकसान होता है तो वो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कि ये हमारा ब्रिज जो है, हर साल 3 साल पहले इसका काम लगा था यहाँ पर, डिपार्टमेंट ब्लॉक ने इसको तामीर करने की इजाज़त दी थी, उसके बाद हमें इस चीज़ का आज तक कोई पता ना चला। हमारे बच्चों को यहाँ से गुजरने की कितनी मुश्किलें हैं। ये नाला इस वक्त भी यहाँ पर आ रहा है, अगर किसी का बच्चा यहाँ से स्टोर पर, दुकान पर, कहीं किसी साइड गया हुआ, कितनी फैमिलीज को उन बच्चों को रिसीव करने इधर आना पड़ता है इस नाले पर। ना इसका काम हुआ, ना लोगों का इसका बिल मिला, ना पैसा, ना हमें कोई सबूत मिल रहा है इस चीज़ का, जो कि बार बार हम हर दफ्तर में चलते रहे, पूछताछ करते रहे, इसका हमें आज तक क्लियर ना हुआ। ना किसी डिपार्टमेंट ने इससे डिपार्टमेंट ने गौर की। जो भी ऑफिसरान हमारी पंचायत लेवल कमेट में आए, आज तक हम उनको यही रिक्वेस्ट करते रहे इस ब्रिज के बारे में, किसी भी ऑफिसर ने आज तक हमारी इस चीज़ पर कोई गौर ना की। हम यही, कोई भी हमारे ऑफिसर एहलकारान साहब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि यहाँ के अवाम का सोचा जाए। हज़ारों की तादाद में ये अवाम का रास्ता है जहाँ पर लोगों को हर चीज़ की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। खुदा ना खास्ता कल किसी के बच्चे की मौत हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम दोषी ठहराएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ के बारे में। ये अपील है कि ये हमारा पुल जो है, इसका काम कम से कम लगभग तीन साल पहले लगाया गया था, तो उसके बाद इस काम को यहीं पे बंद कराया गया और ये काम उसके आगे शुरू नहीं किया गया और लेबरर्स की पेमेंट भी नहीं हुई इस काम की। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और लेबरर्स की जो पेमेंट पेंडिंग है वो पेमेंट किया जाए। और यहाँ से आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। ये हमारी कनेक्टिविटी, पूरी पंचायत को कनेक्टिविटी करने वाला ये एक रास्ता है और यहाँ पे पुल नहीं बनाया गया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि ये हमारा पुल जल्द से जल्द बनाया जाए। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डोडा और उसके गर्दनवा में कोरोना इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। डीडीसी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर तशवीश करने की कोई जरूरत नहीं है, ताहम आवाम को चाहिए कि वो
एहतियात बरतें और पॉजिटिव आने की सूरत में महकमा सेहत की तरफ से जारी हिदायत पर अमल करें। डीडीसी ने कहा कि खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारी में शिद्दत होने पर फौरन टेस्ट करवाना और डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महकमा सेहत के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर याकूब भी मौजूद थे। गोवा के मेरे सारे बहनों को, भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करने वाला हूं। आप सब जानते हैं कि कोरोना के, कोविड के पेशेंट्स हमारे पास आसपास बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आपको बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं उसको गौर से सुनना और उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना में तीन प्रकार का सिम्टम्स, तीन प्रकार के प्रोग्रेशन डिसीज के पाए जाते हैं। एक हम जिसको कहते हैं माइल्ड है, उसमें चिंता करने की आवश्यकता कम होती है, उसमें सिर्फ थोड़ी सी सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं हो सकते। दूसरी जो लेवल होती है उसको हम मॉडरेट कहते हैं, और तीसरी लेवल जो होती है उसको सीवियर कहते हैं। मॉडरेट और सीवियर केसेस में हो सकता है कि हमें कुछ सिम्टम्स आ जाए, हमें फीवर आए, हमें खांसी आए, हमें जुकाम आए। हम सब जानते हैं कि जब हमें सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली हमें जो है वो कंसर्न मेडिकल सिस्टम को, हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता है। उससे भी आगे जाके मैं आज आप सबसे जो मुखातिब हूं वो सिर्फ एक चीज बताने के लिए हूं कि कोविड में सबसे जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से जान जाने की गुंजाइश हमारे पास आ जाती है, वो ऑक्सीजन कमी की वजह से महसूस होती है। ये ऑक्सीजन की कमी या फिर ब्रेथलेसनेस, ये यही वजह होती है जिसकी वजह से मैक्सिमम जाने जाने का खतरा हमारे पास मौजूद होता है। और इसी चीज के लिए मैं आप सबसे आज बात करना चाहता हूं। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी अगर हमारे बॉडी के अंदर है, अगर हमारे खून के अंदर है, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना है, और इसको मॉनिटर अगर हम लोग बॉडी के ऑक्सीजन को करें तो हम इस चीज से बच सकते हैं। मैं आज आपके सामने ये छोटी सी मशीन दिखाना चाहता हूं। इस मशीन का नाम दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर है। ये पल्स ऑक्सीमीटर ये छोटी सी मशीन है जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन मात्रा को गिनती है। मैं आपको बताता चलूं, एक छोटे से चिमटे की तरह ये मशीन होती है। इस मशीन को आपने आपके इंडेक्स फिंगर, जो पहली आपकी उंगली है, इस पे आपको इस मशीन को बस ऐसे लगा देना है। इसमें बस एक बटन होता है, इस बटन को आपको दबा देना है। जब आप इस बटन को दबा देंगे तब ये मशीन जो है वो आपके बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है उस चीज को वो आपको देखेगी। जैसे आप देख रहे हैं इस मशीन में, अब मेरे सामने दो आंकड़े मुझे दिखा दिए हैं। एक आंकड़े में ऊपर लिखा हुआ है कि SpO2, O2 मतलब ऑक्सीजन। मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अभी 95 है। दोस्तों, ये जो 95 फिगर है SpO2 95, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आप दिन में सुबह एक बार और शाम को एक बार, आपको आपकी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल देखनी है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे गिरती है, अगर ये 90 से ऊपर है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 95 से ऊपर है, 95 से ऊपर है तो आप बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं। अगर 90 से नीचे आपकी ये बॉडी की ऑक्सीजन लेवल गिर जाती है तो आपको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है। आपको ये ऑक्सीजन सिर्फ अस्पताल में मिल सकता है। इसीलिए अगर जब भी आप इसको चेक करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन की लेवल 90 से नीचे गिर गई है तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो आपकी ऑक्सीजन लेवल गिर सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर्स हर पॉजिटिव पेशेंट को देने की कोशिश जारी है। अगर कोई ओपन मार्केट से इस पल्स ऑक्सीमीटर को खरीदना चाहता है तो ये पल्स ऑक्सीमीटर 800-900 से लेकर 1000 रुपए तक आपको ओपन मार्केट में मिल सकता है। इसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। हमने ये भी कोशिश की हुई है, हमारे डोडा जिले में जो जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पे हमने ऑक्सीजन दूत या ऑक्सीजन मैसेंजर्स अपॉइंट किए हैं। कोशिश ये की जाएगी कि ये ऑक्सीजन दूत या ऑक्सीजन मैसेंजर्स आपके घर में सुबह भी आएंगे, शाम को आएंगे, जो जो कंटेनमेंट जोन्स है वहां पे, और वहां पे आपके घर में हर जो इंसान है उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा। जिसके घर में ये ऑक्सीजन मीटर्स नहीं है वो कोशिश करें कि पल्स ऑक्सीमीटर आप खरीद ले मार्केट से, या फिर जो टीम आपके पास घर में आएगी उससे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। मैं एक बार और आपको बताता चलूं कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स एक सिंगल उंगली पे आपको चेक करने हैं, दिन में दो बार चेक करने हैं,
और अगर आपके ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चले जाते हैं तो आपको इमीडिएट ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है, आप आपके नजदीकी अस्पताल को संपर्क करें। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने आज इंटरनेट के जरिए से हाल ही में तैनात किए गए ऑक्सीजन मैसेंजर के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। मीटिंग के दौरान DDC ने इन ऑक्सीजन मैसेंजर को कहा कि वो उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और उम्मीद की जाती है कि वो इस जिम्मेदारी को ईमानदारी और खुश उसलूबी से अंजाम देंगे। DDC ने इन ऑक्सीजन मैसेंजर्स को हिदायत दी कि वो दिन में 2 बार हर घर में जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करें और जिस शख्स में 90 से कम ऑक्सीजन लेवल पाएं उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल करने का इंतजाम करें। इसको इंडेक्स फिंगर हम कहते हैं, फर्स्ट फिंगर। इस इंडेक्स फिंगर को आपने डालना है आपकी इस मशीन में। तो मान लीजिए कोई भी हाथ का इंडेक्स फिंगर, राइट का लेफ्ट का पकड़ सकते हैं, लेफ्ट का फिंगर आपने इसमें डाल दिया इस पल्स ऑक्सीमीटर में, और ये जो एक बटन है उसको सिंगल प्रेस करना है। आप देख सकते हैं ये मशीन शुरू हो गई है और इसमें जो है वो आपको 2 आंकड़े दिख रहे होंगे। पहला जो है वो SpO2 लिखा है, जिससे SpO2 मतलब आपके ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का, और दूसरा जो है वो बीट्स पर मिनट। आप देख रहे हैं ये जो पहला वाला आंकड़ा मेरा यहाँ पे दिखा रहा है वो 96 है। अगर किसी इंसान का 90 तो नाजरीन, यहाँ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।